ट्रेन में सफर करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए और जान लीजिए। अगर इन बातों को जान लेंगे तो आपको ट्रेन में सफर के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती और इसी कारण उन्हें परेशानी से दो चार होना पड़ जाता है। जैसे कि चिड़ियां लेकर जाना हो तो क्या करना है, ट्रेन छूट जाने पर टीटीई आपकी सीट के साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं, तमाम ऐसी बातों की जानकारी हम आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय रेलवे के नियमों से लोग अनभिज्ञ रहते हैं। अगर आप भारतीय रेलवे की सेवाओं का अक्सर लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। ट्रेन में सफर करने से पहले इससे जुड़े कुछ जरूरी रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। हम आपको उन रेलवे रूल्स के बारे में यानी कि भारतीय रेलवे के उन तमाम नियमों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें, यदि आपको ट्रेन में चिड़ियां या किसी पालतू जानवर को लेकर जाना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको इसकी बुकिंग लगेज वैन में करानी होगी, साथ ही जानवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की होती है। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीटीई आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता है। दो स्टेशन पार होने के बाद ही आपकी सीट किसी और व्यक्ति को अलॉट की जा सकती है। यदि दो स्टेशन नहीं बीते हैं तो उससे पहले टीटीई आपकी सीट किसी और के नाम पर अलॉट नहीं कर सकता। इसके अलावा अगले नियम की यदि हम बात करें तो अगर आपको ट्रेन में मिडिल बर्थ मिला है तो आपको इसका इस्तेमाल रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही करना होता है। इसके बाद आपको ये मिडिल बर्थ खोलना होगा ताकि बाकी यात्री बैठकर यात्रा कर सके। ट्रेन में यात्रा करते समय यदि आपको कोई ऐसा पैसेंजर दिखता है जो इस नियम का पालन ना करता हो तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी यात्रा के शेड्यूल में कुछ बदलाव हो गया है और आपको डेस्टिनेशन एड्रेस के बजाय आगे जाना हो तो आप टीटीई से आगे के स्टेशन का टिकट खरीद कर आसानी से ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगले नियम की बात करें तो रात के समय यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह नियम बनाया है कि कोई भी यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जोर जोर से बात या फिर गाना नहीं बजा सकता है। ऐसा करने पर जुर्माने का भी प्रावधान भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक टीटीई भी किसी यात्री के टिकट को चेक करने के लिए आपको नहीं उठा सकता। अगर आपके पास टिकट खरीदने का टाइम नहीं है तो आप केवल प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके बाद अपने बोर्डिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन एड्रेस तक आपको ट्रेन के टिकट का पैसा देकर टीटीई से टिकट खरीदना होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेन में चिड़िया या किसी पालतू जानवर को ले जाना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, तो इसकी बुकिंग आपको लगेज वैन में करानी होगी। इसके अलावा उस चिड़िया या जानवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री पर ही होती है। IRCTC से मान्यता प्राप्त रेलवे वेंडर लोगों से तय MRP से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते, ये भी जान लीजिए आप। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत IRCTC की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं और इसकी कंप्लेन होते ही तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। ऐसे में तमाम नियमों को यदि आप जान लेते हैं तो ट्रेन में यात्रा के दौरान ना तो आपको टीटीई परेशान कर पाएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी और अपनी सीट के बारे में टोटल जानकारी होने के बाद आप यात्रा सुगम बना सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।